अगले दर्शक है सुदीप्ता मित्रा, कूचबिहार वेस्ट बंगाल से फोनलाइन पर इस वक्त मौजूद हैं। सवाल इन्होंने ईमेल के जरिए भी भेजा था। गुड इवनिंग मिस्टर मित्रा, बताइए आपका जो पॉलिसी है, कौन सी पॉलिसी के बारे में आप जानना चाह रहे हैं? मेरा एक जीवन सरल पॉलिसी है जी, 25 ईयर्स का। ठीक है, तो अभी 3 साल हो गया है। ठीक है, तो इसके पहले मैं मणिगुरु में सवाल किया था कि एक पार्ट का राय लेने के लिए। उसने बोला ये इन्वेस्टमेंट फायदेमंद नहीं है, इन्वेस्टमेंट के लिए पॉलिसी लेने से मना किया होगा आई थिंक। हाँ, तो अभी एक पार्ट ने बोला जो ये LIC अगर बंद करके अगर मैं रिस्क लेना चाहूँ तो शेयर के स्टॉक के ऊपर मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। अच्छा, या फिर शायद आप म्यूचुअल फंड्स की बात कर रहे हैं। हाँ, तो ये पॉलिसी आपने बताया कि 3 साल आपके हो गए हैं, 3 साल का प्रीमियम आपने चुकाया है 3 बार। ठीक है, तो ये जीवन सरल तो जैसा कि जानते हैं ट्रेडिशनल प्लान है, तो लंबे समय का प्लान होगा। कितना लगभग टर्म है इसमें? टर्म 25 साल का था। 25 साल की पॉलिसी है। हर्ष, फिर वही सवाल है कि पॉलिसी इन्होंने ले ली तब कुछ और सोच के शायद लिया होगा कि कुछ अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे, लेकिन ट्रेडिशनल प्लान है, बोनस भी कुछ मतलब बहुत ज्यादा फिक्स नहीं है, और LIC के जो विद बेनिफिट वाली ये पॉलिसी है, इसलिए विद प्रॉफिट्स के हिसाब से जिस तरह का भी कारोबार कंपनी करती है उस तरह से मुनाफा मिलता है, लेकिन रिटर्न्स के लिहाज से अब इन्होंने ऑलरेडी पॉलिसी ले ली है, 3 साल कंप्लीट हुए हैं। अगर मैं सरेंडर वैल्यू की बात करूं तो कितने समय में इनको इस पॉलिसी से निकलना चाहिए, क्योंकि शायद इन्हें खुद भी रियलाइज हो रहा है कि इन्होंने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए लिया था पर शायद आगे चल के उस तरह के रिटर्न्स नहीं मिलेंगे। जी बिल्कुल, लेकिन आज इन्होंने ऑलरेडी ले ली है, इसका सरेंडर वैल्यू रफली जब 3 साल जिस दिन कंप्लीट हो जाएंगे तब इसकी सरेंडर वैल्यू रफली 90,000 रुपीज के आसपास होगी उस दिन। तो अगर इसको हम फ्रेश इन्वेस्टमेंट माने, क्योंकि जो चला गया उन्होंने 1,08,000 रुपए इन्वेस्ट किए होंगे, लेकिन जो चला गया वो चला गया, आज के दिन इसकी वैल्यू 90,000 है, फ्यूचर में 22 साल तक इनको 36,000 रुपए और देने हैं, और एक एस्टिमेटेड वैल्यू है कि 22 साल बाद इतने पैसे मिलेंगे, उस कैलकुलेशन को भी अगर हम देखें तो उसका रिटर्न करीबन 6.5-6.5% आ रहा है, यानी अभी भी सरेंडर कर ही फायदे में रहेंगे। तो अब इनको ये सरेंडर कर देने चाहिए, अपने पैसे 90,000 ले लें, उसके लिए एक इन्वेस्टमेंट की रणनीति बनाएं। लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट बात यह है कि पहले इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपना इंश्योरेंस करवा लें। तो इनकी इनकम आय मेरे ख्याल से इन्होंने कहा है कि करीबन सालाना 3 लाख है, और इनकी उम्र भी काफी कम है, तो मेरे ख्याल से इनको कम से कम 50 लाख का टर्म इंश्योरेंस तो ले ही लेना चाहिए इन्वेस्टमेंट करने से पहले। तो अगर ये 50 या 35 लाख के आसपास का अगर लें, 10 गुना का या 12 गुना का लें 35 साल के लिए, तो रफली इनका प्रीमियम 4,000-4,500 आ सकता है, चाहे ये अविवा से लें या कोटक से लें। अभी LIC ने भी ई टर्म प्लान शुरू कर दिए हैं, अगर उनसे ये लेते हैं 35 साल का प्लान, जो इनका ई टर्म प्लान है ऑनलाइन, तो करीबन सालाना साल का 7,000 रुपया लगेगा। तो सबसे पहले ये लें फिर इन्वेस्टमेंट करें। इन्वेस्टमेंट जैसे कि इन्होंने भी कहा, अगर रिस्क ले सकते हैं तो अच्छे म्यूचुअल फंड्स में कर सकते हैं, रिस्क नहीं ले सकते तो प्रोविडेंट फंड में कर सकते हैं लंबे समय के लिए, और अच्छे फंड्स में कर सकते हैं। हमने पहले दर्शक को भी बताया था ICICI प्रूफ फोकस ब्लू चिप है, IDFC प्रीमियर इक्विटी है, UTI अपॉर्चुनिटीज फंड है, कई सारे फंड्स हैं, लेकिन सबसे पहले अपना इंश्योरेंस जो है उसको पहले लें ऑनलाइन टर्म, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट की रणनीति बनाएं। यानी जो पहला कदम होगा सुदीप्ता वो ये रहेगा कि आप अपने लिए पर्याप्त कवर खरीदें, सैलरी आपने 25,000 के आसपास बताई थी, तो उसका एटलीस्ट 10-12 गुना आपको ऑनलाइन प्लान लेना चाहिए, और आप प्रीमियम्स के रेट भी चेक कर सकते हैं, नहीं तो बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, वहां पर जाके अपने एज और बाकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स मेंशन करेंगे तो आप कोटेशन आपको मिल जाएंगे, कंपेयर आप कर पाएंगे कि आपकी आय के हिसाब से और आपकी एज के हिसाब से कौन सी पॉलिसी का प्रीमियम कितना पड़ रहा है। चलिए अगले दर्शक की ओर बढ़ते हैं, हमारे साथ